हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट के। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 के लेवल सेकंड के जो तीन सब्जेक्ट हैं आपके सामने, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत। इनके अंदर आपका टारगेट है वो कितना होना चाहिए कि आप 100% नौकरी है वो पा सको, कि आपका कम से कम इतना स्कोर तो होना ही चाहिए दोस्तों। और अगर इससे ज़्यादा आएंगे तो आपका नंबर है वो घर के नज़दीक आने के चांसेस हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमने पहले बात कर चुके हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, साइंस मैथ की और लेवल फर्स्ट की भी हम पहले बात कर चुके हैं, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना गई है रिट 2021 टारगेट जोन, तो दोस्तों उस प्लेलिस्ट से भी आप जाकर देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो की बात करेंगे सीटों की। अनुमान मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लगभग सोशल साइंस की हम बात करें तो सीटें लगभग दोस्तों 3000 से लेकर 3500 तक होने की पूरे चांसेस हैं, लगभग 3000 से लेकर 3500 तक। हिंदी में भी 3000 से 3500 तक, और संस्कृत के अंदर दोस्तों सीटों की संख्या 1500 तक हो सकती है। संस्कृत में 1500 तक जो इस बार सीटें आई थी रीट 2018 में, उससे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लगभग 600 के आसपास पद थे रीट 2018 में, लेकिन इस बार संस्कृत की पोस्टें ज़्यादा आएंगी। हिंदी की थोड़ी कम आएंगी क्योंकि लास्ट टाइम 5000 के आसपास थी, इस बार 3000 से 3500 आ सकती हैं। कई बोल रहे हैं कि लगभग 2000 आएंगी, कई बोल रहे हैं वापस से 5000 आने वाली हैं, लेकिन दोस्तों मैंने शाला दर्पण से देख के आपको बता रहा हूँ, लगभग जो सीटों की खाली स्थिति है वो लगभग 3000 के आसपास है, 3000 से 3500। अब आगे आने वाले टाइम में आप सबको पता है कि प्रमोशन हो चुके हैं सेकेंड ग्रेड में, उसमें कितने हिंदी के हैं वो अभी मेरे को पता नहीं है, तो उसका भी कोई ताज़ा आंकड़ा आता है तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा कि 3000 की जगह 5500 आ जाए, 6000 या फिर 3000 की जगह 2000 आ जाए, इतना नहीं होगा। लगभग 3000 से 3500 के आसपास सोशल साइंस की और हिंदी की दोनों की इतनी सीटें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी, लास्ट जो थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी उसकी कट ऑफ मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हिंदी की कट ऑफ दोस्तों जनरल कैटेगरी की है वो 70.89 है। अब लास्ट टाइम जो कट ऑफ निकलती थी दोस्तों, जो ये फाइनल कट ऑफ है, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ सिर्फ रेट का स्कोर का, तो इसमें आप 70-30 करोगे क्योंकि 70-30 से ये फाइनल रिजल्ट है, तो लगभग ग्रेजुएशन में मैं बीए के दोस्तों स्कोर है वो लगभग 18 नंबर मान रहा हूँ। 18 नंबर का मतलब ये है कि बीए में लगभग 60% में स्कोर है वो मान रहा हूँ, 60%, क्योंकि 60 से कम भी आते हैं और कम दोस्तों बहुत के आते हैं, और लेकिन ज़्यादा भी आते हैं जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी है, चित्रकला है या फिर होम साइंस है, उनके दोस्तों 80% 90% तक भी आती हैं बीए में, लेकिन ज़्यादातर के लगभग 55-60 के आसपास होते हैं। तो मैं बीए का स्कोर है वो 18 नंबर ले रहा हूँ क्योंकि 30% रेशो था उस टाइम, वर्तमान में 90-10 है, वो भी मैंने आपको निकालने का तरीका वो बताया, वो भी वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि लगभग 70.89 से आप 18 नंबर घटा दोगे तो रेट का स्कोर है वो आएगा, क्योंकि 70% उस टाइम निकलता था, तो लगभग दोस्तों मैंने ये निकाल के देखा, आप भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, तो लगभग लास्ट टाइम जो हिंदी में नंबर थे जनरल कैटेगरी में 113 से 114 नंबर वाला बंदा है वो सिलेक्ट हुआ था। मतलब मैं आपको एक बीच का मतलब बीच के बता रहा हूँ एवरेज स्कोर, जिसके रीट में 113 से 114 नंबर थे और ग्रेजुएशन में 60% थे, उसका सिलेक्शन वो जनरल कैटेगरी से हो गया था। अब दोस्तों इसके नीचे आप देख लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन का स्कोर तो लगभग 60% ही रहेगा और ओबीसी में ये दो नंबर नीचे चला जाएगा, लगभग 111 नंबर हो जाएगा, एमबीसी में एक नंबर और नीचे चले जाएगा, लगभग 110-108 हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट में कि कितना स्कोर है वो हिंदी का होना चाहिए। अब हम बताते हैं रिट 2021 में आपका टारगेट है वो कम से कम, टारगेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि इतनी ही जाएगी या इससे कम नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी भी मैं बात करूँगा कि कम किस प्रकार वो जा सकती है। पूरा वीडियो देखोगे आप, स्किप नहीं करेंगे तो आपको पूरा पता वो लग जाएगा। अब दोस्तों अगर पेपर लास्ट टाइम की तरह आता है, पेपर का मतलब लास्ट टाइम की तरह का मतलब ये है कि आप सबको पता होगा कि सामाजिक के पेपर हैं वो लास्ट टाइम 60 क्वेश्चन ईजी आए थे, बजाय रिट 2016 वाले पेपर के। 2016 में वास्तव में थोड़ा हार्ड पेपर था, लेकिन 2018 में 60% सामाजिक वाले ईजी थे और अच्छा स्कोर हुआ था, लगभग 50+, 52+, 55+ भी नंबर थे सामाजिक में लास्ट टाइम, लेकिन 2016 वाले रिट में नहीं था। तो दोस्तों पेपर के ऊपर डिपेंड ज़रूर करता है, लेकिन आपका टारगेट है वो लास्ट टाइम के पेपर को देखते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि इतना टारगेट आपका होना चाहिए। सीटें हैं दोस्तों हिंदी की कम हो रही हैं, डेफिनेटली कम आएंगी रिट 2021 में 2018 की बजाय। तो अब हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो दोस्तों आपका स्कोर लगभग
118 तो होना ही चाहिए दोस्तों, 118 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 118 नंबर आपके आएंगे तभी आप सोच सकते हैं कि मैं टीचर बन जाऊंगा। तो जनरल कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो 118-119 नंबर कट ऑफ जाने की दोस्तों पूरी पूरी उम्मीद है, और आपका टारगेट तो 120 का होना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो हो सकता है वो बता रहा हूँ, कि ये नहीं कि 120 नंबर आएंगे 125 लाने हैं, वो नहीं बता रहा हूँ, पूरा आपको बता रहा हूँ कि रीट 18 में ऐसे 113 नंबर थे, 114 नंबर थे, सीटें हैं वो कम होंगी, थोड़ा कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, इसलिए 118 से 119 नंबर वो बहुत होंगे, लेकिन आपका टारगेट है वो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट होम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, और वो आपके 120-125 नंबर आएंगे तभी आपको मिलेगा। ये तो बात थी दोस्तों जनरल की। अब बात करते हैं EWS, तो EWS दोस्तों एक नंबर है वो कम कर लीजिए, एक नंबर से ज़्यादा कम नहीं जाएगी, 117 से 118 नंबर। और OBC है दोस्तों, OBC और EWS दोनों हिंदी में मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क दोनों में आएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो OBC और EWS दोनों की मैं 117 से 118 टारगेट आपको बता रहा हूँ, और वैसे अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट पाना है तो दोस्तों 120-125 लेकर आने ही पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों MBC कैटेगरी की, तो MBC की मेरिट है वो दोस्तों लगभग 5 से 6 नंबर, मतलब 113-114 आपका टारगेट होना चाहिए, या मैं कहूँ कि 112 से 113 नंबर MBC कैटेगरी में। और SC के अंदर दोस्तों 110 से 111, और ST के अंदर और भी थोड़ा कम जाएगी मेरिट। आप सबको पता है कि लगभग 8 से 10 नंबर वो डिफरेंस है वो आता है जनरल कैटेगरी से, तो लगभग 107 से 108 नंबर वो ST कैटेगरी में आपका सबसे मेन टारगेट, मतलब इतने नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन वो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आपका टारगेट इससे भी ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि ये तो है इतने नंबर पर शायद आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन नंबर से मतलब नहीं है दोस्तों, आपके रैंक आनी चाहिए, और रैंक तो आपका टारगेट होगा उससे आप प्लस 5 करोगे तभी आप रैंक के अंदर आओगे, वरना सिलेक्शन तो हो जाएगा दोस्तों, सिलेक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके 110-111 नंबर SC कैटेगरी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें भी दोस्तों थोड़ा फ़र्क है वो ग्रेजुएशन का ज़रूर पड़ेगा, आप सबको पता है कि डेट ऑफ बर्थ से भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बच्चे हैं वो रह जाते हैं, तो ये तो कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसमें आपके 60% की जगह मान लीजिए 55% है, उसका भी फ़र्क पड़ेगा, तो आपको एक आध नंबर उसकी वजह से भी ज़्यादा लाने पड़ेंगे। और मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 80% है, तो आप इससे एक दो नंबर कम आएंगे तो भी आपका काम है वो चल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हिंदी विषय की बात। अब हम बात करते हैं सामाजिक और संस्कृत की। अब दोस्तों सामाजिक और संस्कृत में आपने ये देखिए रिट 2018 का रिजल्ट, ये है सामाजिक विषय का, तो आप कट ऑफ देख रहे हैं लगभग 72.28 है जनरल कैटेगरी की, OBC की आप देख सकते हैं, MBC, SC, ST, PS सब की कट ऑफ आपके सामने है, और ये है दोस्तों संस्कृत की, तो दोनों के लगभग समान है 72.20, और यहाँ पर है ये देखिए सामाजिक वाली है 72.28, तो 0.08 का डिफरेंस है दोनों में, और यही इस बार थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, आप सबको पता है कि रिट 18 के अंदर दोस्तों सीटें हैं वो संस्कृत की बहुत ही कम थी, लगभग 600 के आसपास सीटें थी, लेकिन इस टाइम में वो लगभग 1500 प्लस सीटें आ सकती हैं, इसलिए कट ऑफ में बिल्कुल ही मतलब एक आध नंबर का ज़रूर डिफरेंस आएगा। सामाजिक की बजाय संस्कृत की थोड़ी कम जाएगी, मतलब एक या नंबर या दो नंबर भी कम रह सकती है। अब हम बात करें दोस्तों कि 70-30 से ये कितने नंबर आए रीट के अंदर और कितने थे ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में तो दोस्तों सबके BA होता है, मतलब हिंदी सब्जेक्ट है उसके भी BA, सामाजिक वाले के भी BA होती है और संस्कृत वाले के भी BA होती है, तो BA में मैं मान रहा हूँ 60% है वो एवरेज स्कोर रहता है, तो 70-30 से यहाँ पे हो जाएगा 18 नंबर, फाइनल मेरिट 70-30 से बनती थी रीट 2018 में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर। अब बेहतर से आप 18 निकाल के रीट का स्कोर देखोगे तो रीट का स्कोर दोस्तों लगभग 116 से 117 नंबर है वो आता है। अब जिसके भी लास्ट टाइम रीट 18 में 116 से 117 स्कोर था और ग्रेजुएशन में 60% थी दोस्तों, उसका सिलेक्शन वो जनरल कैटेगरी में हो गया है सामाजिक के अंदर, मैं सामाजिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और इतने ही नंबर थे संस्कृत में, तो संस्कृत से भी सिलेक्शन हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों रीट 21 में क्या होने वाला है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों ये है एवरेज स्कोर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 117 से ऊपर वाले सभी का हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बंदे आपको मिल जाएंगे जिनका 120-121 पे भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनके ग्रेजुएशन में 50% या 48-45% थे तो उनका नहीं हुआ, लेकिन मैं एवरेज स्कोर ले रहा हूँ 60% और इससे ज़्यादा भी आते हैं, तो कई बंदों का 105 पे हो गया था दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। अब बात करते हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए आपका रिट 2021 में, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि आपके पदों की संख्या लगभग लास्ट टाइम की जितनी रहने वाली है, लास्ट टाइम आपके 2900 पद थे, इस बार 3000 से 3500 के आसपास पदों की आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों, इतने पद तो आएंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं साला दर्शन पे, बहुत पद खाली हैं सामाजिक के, आपके पद 3000 डेफिनेटली आने वाले हैं।
अब हम बात करेंगे कि दोस्तों आपका स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे अनुसार जो मेरा अनुमान है, क्योंकि अब कट ऑफ आपके लास्ट टाइम भी बहुत हाई थी, 116 117 नंबर बहुत होते हैं, अब ये नहीं है कि 125 नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेरे अनुसार आपका स्कोर वो दोस्तों जनरल कैटेगरी में 120 आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि 119 या 120 नंबर आपके आने ही चाहिए। अब 120 तभी आएंगे जब आप इससे प्लस 5 मान के, मतलब आप 125 की तैयारी करोगे तभी आप 120 लेकर आओगे। आप अगर 120 की सोच के चलोगे तो दोस्तों 120 है वो नहीं आएंगे। आप पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम के बंदे हैं या आपने भी एग्ज़ाम दिया, आपको पता होगा कि आपकी सोच 120 या 115 की थी, तो आपके 110 111 ही नंबर आए हैं। तो आपकी सोच है वो दोस्तों 125 128 की होनी चाहिए ताकि आपके 120 तो आएँ, और 120 में आपका काम वो 100% निकल जाएगा दोस्तों, आप टीचर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी, आप देख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों EWS की। तो EWS है वो दोस्तों लगभग 118 से 119 नंबर, और OBC की भी दोस्तों 118 से 119। OBC और EWS में कोई डिफरेंस है वो नहीं आएगा शायद, मेरे अनुसार बहुत ही माइनर डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा फ़र्क वो नहीं पड़ेगा। 118 से 119 EWS और 118 से 119 ही OBC कैटेगरी। अब हम बात करते हैं दोस्तों MBC। MBC पे यहाँ पे आपको फ़र्क वो कम नज़र आ रहा है, क्योंकि लगभग OBC की है 71.83 और MBC की है 71.65, लेकिन वर्तमान समय में 5% रिजर्वेशन के कारण MBC कैटेगरी कट ऑफ वो डेफिनेटली बहुत ही कम जाने वाली है OBC की बजाय। और दोस्तों बहुत ही कम का मतलब ये है कि 2-3 नंबर ज़रूर कम जाएगी, और 2-3 नंबर कंपटीशन में बहुत होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम जाने वाली है। तो दोस्तों MBC में आपका टारगेट है वो 115 से 116 नंबर का होना चाहिए। इतने नंबर आएंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, और जितने 150 में से 150 हैं तब तक कम ही है दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा आएंगे उतना आपका नाम होगा और आपकी जो मनपसंद स्कूल है वो आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों SC कैटेगरी। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर है वो दोस्तों लगभग 112 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, 112 से 113 नंबर। और दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर मैं पूरा आपको मतलब निष्कर्ष बता रहा हूँ कि रीट 18 में ये था तो 21 में ये हो सकता है। अब थोड़ा बहुत पेपर के ऊपर डेफिनेटली निर्भर करेगा, उसके बाद हम हिंदी विषय के टाइम कर चुके हैं कि पेपर वो अगर रेट 2016 वाला आया, उस तरह का आया सामाजिक का पेपर 60 क्वेश्चन, तो कट ऑफ थोड़ी कम चली जाएगी। और रेट 18 वाला आया तो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये टारगेट है आपके सामने, इतने नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में दोस्तों आपका टारगेट है वो लगभग 110 का होना चाहिए, 110 से 111 नंबर, और इससे ज़्यादा आपके हैं उतने बहुत ही अच्छे हैं आपका स्कोर, लेकिन 110 से 111 पे भी आपका सिलेक्शन वो हो जाएगा, बशर्ते आपके ग्रेजुएशन में 60% हो। और दोस्तों सामाजिक की हम बात कर चुके हैं, और संस्कृत की मैंने आपको लास्ट टाइम की कट ऑफ वो दिखा दी, आप खुद भी थोड़ी निष्कर्ष वो निकाल सकते हैं। और जो सामाजिक की मैंने बताया वही कट ऑफ दोस्तों संस्कृत में रहेगी, उससे एक आध नंबर कम रह सकती है, वही अनुमान है, वही टारगेट आपका होना चाहिए अगर आप संस्कृत से दे रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर वो पूरा कंप्लीट सेम आएगा। हिंदी में भी वही 150% आएंगे हिंदी वाले के, सामाजिक वाले के भी वही 150%, और लगभग संस्कृत वाले के भी वही 150% है, क्योंकि जिसके लैंग्वेज हिंदी होती है वो संस्कृत ही लेता है, और जिसके संस्कृत है उसकी डेफिनेटली पहली लैंग्वेज वो हिंदी होती है। तो दोस्तों ये था मेरा टारगेट, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और चैनल पर दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो हैं, टीचिंग मेथड के हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, स्टेट यूपी टेट जो विभिन्न एग्ज़ाम की टेट की एग्ज़ाम होती हैं उनके प्रश्न मैं करवा चुका हूं दोस्तों, वो पेपर भी आप देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।